गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट विच कंपनी इज द बेस्ट, कौन सी कंपनी बेस्ट है, ओके लाइफ केयर, मोदी केयर या वेस्टीज, क्योंकि कई लोग इन कंपनियों में एज ए कैरियर काम करना पसंद करते हैं। और अगर इन कंपनियों की स्टेबिलिटी ही अगर ठीक नहीं है तो व्यक्तियों का कैरियर एक प्रकार से खतरे में है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी कंपनी में वर्क करना चाहिए और कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है मोदी केयर नंबर वन कंपनी है, तो कुछ वेस्टीज को नंबर वन कंपनी बताते हैं और कुछ ओके लाइफ केयर को टॉप कंपनी बताते हैं। दोस्तों, इसी तरह के काफी मैसेजेज और ईमेल हमें आए हैं कि कौन सी नंबर वन कंपनी है। हालांकि हम तुलनात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देते, हमारे अनुसार किसी भी कंपनी का कंपैरिजन उसी कंपनी के फास्ट रिकॉर्ड और प्रेजेंट ट्रैक के आधार पर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपके लव एंड सपोर्ट के कारण हम मजबूर हो गए हैं यह वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग या MLM की टॉप कंपनीज में से एक वेस्टीज, मोदी केयर और कुछ ही सालों पहले आई हुई कंपनी जो इनसे सीधे सीधे टक्कर ले रही है, ओके लाइफ केयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुई। मोदी केयर 1996 में, वेस्टीज 2004 में, ओके लाइफ केयर 2016 में। दोस्तों, आपको मेरी बात याद होगी कि किसी भी कंपनी का कंपैरिजन उस कंपनी के फास्ट रिकॉर्ड और प्रेजेंट ट्रैक के आधार पर होना चाहिए। उसका कारण है मोदी केयर को MLM इंडस्ट्री में आए हुए 24 साल हो गए, जबकि ओके लाइफ केयर को मात्र 4 साल हुए हैं। जबकि एक कंपनी 24 साल से इस इंडस्ट्री में है और एक कंपनी बिल्कुल नहीं है, तो दोस्तों कंपैरिजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यह उसी प्रकार से है जैसे दो लोग दौड़ रहे हैं जिनमें से एक 0 मीटर से शुरू कर रहा है और दूसरा पहले ही आधी रेस खत्म कर चुका है, तो दोस्तों यह नाइंसाफी होगी उसके लिए जो अभी रेस शुरू कर रहा है। एज ए रिजल्ट ओके लाइफ केयर को इतना टाइम हो जाएगा, जब वह ग्लोइंग फेज से बाहर आ जाएगी तब शायद एक कंपैरिजन किया जा सकता है कि इस इंडस्ट्री में कौन आगे है कौन पीछे है। और यही सेम प्रोसेस वेस्टीज और ओके लाइफ केयर में भी लागू होता है। फिर भी एक डिटेल कंपैरिजन शुरू करते हैं। अगर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो मोदी केयर के 550 प्लस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टीज के 350 प्लस कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं और वहीं ओके लाइफ केयर के 150 प्लस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी और क्वालिटी के हिसाब से हम सबसे पहले वेस्टीज को रखना चाहेंगे, बाकी मोदी केयर और ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी सिमिलर है। और जहां तक प्रोडक्ट प्राइस की बात करें तो हमने कुछ सैंपल उठाए हैं जिसका चार्ट आपके सामने है। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं, फिर वेस्टीज और फिर मोदी केयर। लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट तब है जब बेस्ट क्वालिटी के साथ प्राइस भी कम हो। लेकिन दोस्तों, अभी प्रोडक्ट की मांग कम होने के कारण ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बट यह कब तक इसको मेंटेन रख पाएगी यह बता पाना अभी मुश्किल है। बट कम प्राइस में वेस्टीज जैसे प्रोडक्ट लाना काबिलियत तारीफ है। तो दोस्तों, एक सैल्यूट बनता है हमारे गौतम बाली सर को जिन्होंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवाए। और दोस्तों, अब बात करते हैं BV यानी बिजनेस वॉल्यूम की। हर कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अगर एवरेज या औसतन बात करें तो मोदी केयर का 50%, वेस्टीज का 50% और ओके लाइफ केयर का 30% है। और अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो मोदी केयर लगभग टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो टर्नओवर आता है उसका 62% प्रमोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहीं वेस्टीज 65% और ओके लाइफ केयर 75% डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों, ध्यान रखना हम यहाँ पर सेल्स टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह वह टर्नओवर है जिस पर आपका बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। और अगर ऑनेस्ट रिव्यू बताए तो कान दाएं हाथ से पकड़ो या बाएं से, आप कहाँ नहीं पकड़ोगे। इसका मतलब है इनमें ज्यादा कोई खास फर्क या अंतर नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की बात करें तो वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है
जिसके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में अभी तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखे गए हैं। दोस्तों, इससे वेस्टिज कंपनी के विजन का अनुमान लगाया जा सकता है। और दोस्तों, अगर प्लान की बात करें तो मोदी केयर और वेस्टिज दोनों जनरेशन प्लान पर काम करती हैं और ओके लाइफ केयर हाइब्रिड प्लान फॉलो करती है। और अगर लीडरशिप की बात करें तो वेस्टिज गौतम बाली सर की लीडरशिप में काम कर रही है, वहीं मोदी केयर समीर मोदी सर की लीडरशिप में और ओके लाइफ केयर जोगिंदर सिंह सर की लीडरशिप में काम कर रही है। दोस्तों, बिना किसी डाउट के गौतम बाली सर की लीडरशिप में वेस्टिज कंपनी एक माइलस्टोन सेट कर चुकी है, क्योंकि वेस्टिज की लीडरशिप बहुत ही खतरनाक लीडरशिप है, क्योंकि वेस्टिज के लीडर अपने विजन को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बात चाहे टीम बिल्डिंग की हो या कंपनी रन करवाने की हो, लीडरशिप ही एक ऐसी चीज है जिससे कंपनी का भविष्य तय हो सकता है। दोस्तों, इंडिया में जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, तब से न जाने कितनी फ्रॉड कंपनियां आई जिन्होंने टॉप प्रमोटर्स को लालच देकर अपने अंदर शामिल किया है, जिससे कई लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को लूटने का बिजनेस समझा है, जिससे काफी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को तोड़ने जोड़ने का बिजनेस समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वेस्टिज और मोदी केयर कंपनी ऐसे बहुत कठिन से कठिन पड़ाव पार कर चुकी हैं, जबकि ओके लाइफ केयर कंपनी की जर्नी में वह दौर अभी आना बाकी है, क्योंकि दोस्तों इसी खतरनाक पड़ाव में असली लीडरशिप टेस्ट होती है, जबकि वेस्टिज पहले ही खतरनाक पड़ाव पार कर चुकी है। और दोस्तों, इसलिए आपको करियर बनाने के लिए वेस्टिज कंपनी को ही चुनना चाहिए। और अब वेस्टिज को ही क्यों चुनना चाहिए और वेस्टिज कंपनी ही क्यों बेस्ट है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को मैंने आई बटन और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उनका भविष्य खतरे में ना हो और वह लोग अपना एक अच्छा करियर बनाने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर सकें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।